नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना। अगले 24 घंटे में प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बरसात से तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। इधर रविवार को राज्य के 33 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के उदयपुर और कोटा संभाग में प्री मॉनसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जो धीरे धीरे दूसरे संभाग में भी आगे बढ़ेगा। ऐसे में 28 जून को भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में भी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। वहीं बात करें 29 और 30 जून को प्रदेश के उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर संभाग में भी भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। जयपुर मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवा प्रभावी होने से मॉनसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थिति बन गई है। ऐसे में 30 जून तक मॉनसून पूर्वी राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। वहीं मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ ही थंडरस्टॉर्म के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी बनी रहेगी। राजस्थान में रविवार को गर्मी के तेज तेवर ने आम आदमी को परेशान कर दिया। आज प्रदेश के जालौर में तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं 5 जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जबकि 33 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया।